तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शटडाउन कंडीशन के बारे में, यानी कि हम समझेंगे कि किस कंडीशन में फर्म परफेक्ट कंपटीशन में अपना प्रोडक्शन को शटडाउन कर देती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो जरूर चेक करें ताकि आपको पता रहे कि इस वीडियो से पहले आपको कौन सी वीडियो और इस वीडियो के बाद आपको कौन सी वीडियो देखनी है, ताकि आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट ठीक से समझ में आए। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की और उसमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की, तो शॉर्ट रन में चार कंडीशन पॉसिबल हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस और शटडाउन। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे शटडाउन कंडीशन के बारे में। सबसे पहले तो आप अपनी बात को क्लियर कर लीजिए कि शटडाउन का मतलब केवल टेम्परेरी प्रोडक्शन को बंद करना है, मार्केट छोड़कर नहीं जाना। इसका मतलब एक फर्म को, अगर आपको ये समझना है कि शटडाउन कब होगा, तो आपको एक फर्म के कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। एक फर्म को दो तरीके की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। तो कोई भी फर्म, चाहे वो प्रोडक्शन करे या ना करे, उसको फिक्स कॉस्ट तो हर कंडीशन में बियर करनी ही पड़ेगी। अगर वो प्रोडक्शन करती नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन को बंद कर देती है, शटडाउन कर देती है, तो वो केवल अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही बचा सकती है, फिक्स कॉस्ट को वो किसी भी कंडीशन में बचा नहीं सकती। इसका मतलब अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो है 12 रुपीज। मान लीजिए तीनों ही कंडीशन में, तीन कंडीशन ली है, तीनों में कंडीशन में 12 रुपीज मान लीजिए। अब उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 8 रुपीज है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 4 रुपीज है। इसका मतलब 8 रुपए वो फिक्स फैक्टर पे खर्च करती है और 4 रुपए वो वेरिएबल फैक्टर पे खर्च करती है। हमने तीनों ही कंडीशन में ये मान लिया है। अब पहला केस है जिसमें हम एवरेज रेवेन्यू को मान लेते हैं 10 रुपीज। इसका मतलब उसका जो खर्चा हो रहा है किसी गुड्स को बनाने में वो 12 रुपए का हो रहा है और उसकी इनकम जो हो रही है वो 2 रुपए की हो रही है। अगर वो प्रोडक्शन को करती है तो उसको जो लॉस होगा वो 2 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन को बंद कर दे, नो प्रोडक्शन कर दे, तो इसका मतलब है, फिर से आप देखिए कि दो तरीके कॉस्ट हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। मान लीजिए वो मार्कर का प्रोडक्शन करना बंद कर दे तो उसको अब वेरिएबल कॉस्ट खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको फिक्स कॉस्ट का खर्चा तो फिर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इस केस में अगर वो प्रोडक्शन नहीं करती तो उसको 8 रुपए का लॉस होगा। इसका मतलब वो प्रोडक्शन अगर करती है तो उसे 2 रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपीज का लॉस हुआ, और प्रोडक्शन नहीं करती तो 8 रुपीज का लॉस हुआ, क्योंकि उसकी कॉस्ट 12 रुपए है, इनकम 10 रुपीज है, तो प्रोडक्शन करने पर उसे 2 रुपीज का लॉस हुआ और प्रोडक्शन ना करने पर उसको 8 रुपीज का लॉस हुआ। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्शन करना बेटर है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है कि अगर एवरेज रिवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट है, यानी कि उसको लॉस हो रहा है, लेकिन एवरेज रिवेन्यू मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के है, यानी कि उसको अपनी पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है 4 की 4 रुपीज, प्लस जो फिक्स कॉस्ट है 8 रुपीज की, उसमें से भी कुछ हिस्सा उसको रिकवर हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन अपना करेगा। अगर मान लीजिए कि उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 8 है, वेरिएबल कॉस्ट 4 है, लेकिन उसको प्राइस भी मिल रहा है 4 रुपीज, इसका मतलब वो केवल और केवल अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा है। यानी कि अगर वो प्रोडक्शन करता है तो उसको लॉस होगा,
12 - 4 ₹8 का, और वो प्रोडक्शन नहीं करता तो वो वेरिएबल कॉस्ट को बचा लेगा तो भी उसको लॉस होगा ₹8 का। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में शटडाउन आ जाएगा। शटडाउन का मतलब हुआ कि चाहे वो प्रोडक्शन करे चाहे वो प्रोडक्शन ना करे, उसको हर कंडीशन में लॉस ₹8 का ही होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, शटडाउन सिचुएशन अकर्स व्हेन द प्राइस इज सो क्रिटिकली लो दैट इट कैन नॉट कवर द फिक्स्ड कॉस्ट एट ऑल, यानी कि वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसका प्राइस इतना कम हो गया है जिसमें वो केवल अपनी फिक्स कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हमारा जो लॉस होगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, तो उस केस में हम शटडाउन कर देंगे। इसका मतलब जिस केस में उसका एवरेज रेवेन्यू केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर कर पा रहा है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में शटडाउन हो जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए मार्कर ₹4 का परचेज करके लाए और आप अपनी दुकान पर उसको ₹4 का ही बेच रहे हो, तो आपको रेंट का कुछ भी हिस्सा कवर नहीं होगा, यानी कि आप चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें, आपका जो खर्चा होगा वो लॉस होगा वो 8 का ही होगा। अगर मान लीजिए कि आपका प्राइस ₹2 हो जाए, तो इस केस में प्रोडक्शन करने पर आपको ₹10 का लॉस होगा और प्रोडक्शन ना करने पर आपको ₹8 का लॉस होगा, तो इस केस में तो आप प्रोडक्शन करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन करने पर आपको ₹10 का लॉस होगा और प्रोडक्शन ना करने पर ₹8 का लॉस होगा, तो इस कंडीशन में तो आप प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। यानी कि अगर हम समराइज करें इस पूरी बात को, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट है तो वो लॉस को बियर करता रहेगा, और वो लॉस को तब तक बियर करेगा जब तक कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना हो जाए, तो ये कंडीशन शटडाउन की है। अब हम एक डायग्राम से शटडाउन की कंडीशन समझ लेते हैं। मान लीजिए हम 3 केस ले रहे हैं। पहले केस में एवरेज रेवेन्यू जो है इट इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सेकेंड केस में एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और थर्ड केस में एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मान लीजिए सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है, तीनों ही केसेस में मान लीजिए एक ही चीज है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि जो प्राइस होती है किसी गुड्स की वो यूनिफॉर्म होती है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म तब होगा जब एमसी इसको नीचे से इंटरसेक्शन के लिए, तीनों ही केसेस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म इतना प्रोडक्शन करेगी, मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ए है, फर्म ओपी प्राइस चार्ज करेगी और ओक्यू क्वांटिटी को सेल करेगी। तीनों ही कंडीशन में एक जैसी। अब मान लीजिए कि फर्म को जो लॉस हो रहा है, तीनों ही कंडीशन में फर्म को लॉस हो रहा है, तो जो लॉस का एरिया है वो है ए बी पी पी वन, ये लॉस हो रहा है। तीनों ही कंडीशन में फर्म को लॉस हो रहा है, ये लॉस का एरिया है, तीनों ही कंडीशन में फर्म को लॉस दिखाया जा रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इस केस में एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, इसलिए तीनों ही कंडीशन में लॉस हो रहा है। अब इस केस में जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो है हमारी सी पॉइंट पे इतना। इसका मतलब इस केस में क्या बताना मैं चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो ए क्यू के इक्वल है, एवरेज कॉस्ट जो है वो बी क्यू के इक्वल है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सी क्यू के इक्वल है। इसका मतलब आपका जो पर यूनिट लॉस जो है वो तो ए बी के इक्वल है, लेकिन इस लॉस में भी आप जो प्रोडक्शन करोगे वो जारी रखोगे, क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पूरी की पूरी रिकवर हो रही है। इस कंडीशन में आप शटडाउन की कंडीशन कब आएगी,
जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाए, यानी कि इस केस में आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो AQ है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी AQ है, तो इस केस में क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल हो गया, इसलिए आप इस कंडीशन को क्या कहेंगे? शटडाउन की कंडीशन कहेंगे। अगर मान लीजिए किसी केस में आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, तो इस केस में प्रोडक्शन करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, क्योंकि इस केस में एवरेज रेवेन्यू जो है वो स्मॉलर देन है एबीसी से, तो इस केस में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, नो प्रोडक्शन एट ऑल। तो प्रोडक्शन केवल इस केस में होगा और इस केस में होगा। शटडाउन पॉइंट का मतलब है कि फर्म इस पॉइंट तक तो प्रोडक्शन करेगी ही। तो आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर एवरेज रेवेन्यू मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो फर्म प्रोडक्शन करेगी, और तब तक करेगी जब तक कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो जाता। ये हमारी शटडाउन कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन से नीचे अगर प्राइस फॉल करता है तो फर्म कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।